गाइस आज से ठीक कुछ साल पहले मैंने आपको बना करके दिखाया था एक सीसीटीवी कैमरा, और आप देख सकते हो सीसीटीवी कैमरा भी मैंने बनाया था तो काफी नॉर्मल वाला बनाया था जो आपके बजट पर होगा और आप काफी आसान तरीके से आप इसे बना भी सकते हो। अब आप बोलोगे भाई आपने जब इसे बना करके दिखाया ये तो आप फिर से क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि हमारे काफी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, इसे हमें बताना है कि आप नॉर्मल एक सीसीटीवी कैमरा कैसे बना सकते हो अपने घर को सिक्योर रखने के लिए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा ये लगभग देखा जाए तो 2000 के अंदर पे ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस फिलहाल तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जिसे बना रहा हूँ ये आपको मार्केट पर भी मिल जाएगा और साथ ही आपको ऑनलाइन पर भी देखने को मिल जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कैमरा यूज किया है ये कैमरा है कार वाला कैमरा है। आप सोचो कि जब हम कार वाले पर जो कैमरा होता है उसे हम सीसीटीवी कैमरा पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस पर एक फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है वो है ऑडियो का। क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपको दो पिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक वीसीसी आउटपुट के लिए होता है, जो कि हम यहाँ पर वीसीसी यानी कि आउटपुट लेते हैं वीडियो क्वालिटी के लिए, और सेकेंड हमारा आता है इनपुट पावर सप्लाई के लिए। यहाँ पर अगर हम 12 वोल्ट इनपुट देते हैं तो हमारा ये सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ आपको लेना होता है एक डिस्प्ले। ये वाले जो डिस्प्ले आप देख रहे हो इससे मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट भी मैंने बना करके दिखाए। अभी जो प्रेजेंट जो इसे एक महीने पहले मैंने जो आपको वीडियो बना करके दिखाया था कि टीवी चलाने वाला सर्किट आ गया, उस पर ही मैंने इसे ही आपको टेस्ट करके दिखाया था और काफी अच्छा भी रिजल्ट देखने को मिल रहा था। अगर आप भी देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। टीवी को चलाने के लिए अच्छा खासा मैंने किट को मैंने परचेस किया है। पहले वाला खराब होता था, अब ये खराब नहीं होता है, काफी प्रॉब्लम था तो सभी दूर हो चुका है। मेरे वीडियो को देखने के बाद काफी लोग संभल भी चुके हैं। अब देखो ये वाले जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, अलग अलग तरह के साइज के आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं लाइव आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक वीडियो को देखो और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। आप भी बनाओगे कैमरा और साथ ही आपके भाई लोग जो दोस्त होंगे वो भी बना सकते हैं। इस पर क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 बटन हमें देखने को मिलते हैं। एक मोड बटन मिलेगा, एक पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन मिलेगा, यानी कि ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने का मिलेगा, बस इससे ज़्यादा इस पर कोई फंक्शन नहीं है। ऑडियो के लिए मैंने बोला आपको अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा है ना, कैमरे पर कोई ऑडियो का फंक्शन इस पर नहीं दिया गया है। कभी अगर जरूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करके आपको बता ही दूंगा। अब देखो इस पर हमें टोटल 3 इस तरीके के फीमेल पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक तो हमारा पावर सप्लाई के लिए है और दो वीसीसी के लिए है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि भाई जैसे कि हमारा जो कैमरा है वो कैमरे पर तो हमारा सिंगल वीसीसी का ऑप्शन मिलता है, जो हमारा वीडियो आउटपुट करेगा वो हमारा फीमेल पोर्ट एक ही है, और इस पर हमारे दो क्यों है? बात तो सही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये डिस्प्ले से आप दो तरीके से काम ले सकते हो। पहला तो आप यहाँ पर कोई म्यूजिक को प्ले करते हो उसका जो फिगर आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले पर, और दूसरा जो आपको सॉकेट मिल रहा है इस पर आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप कैमरा का जो व्यू होगा वो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। इसका जो कनेक्शन है वो भी काफी इजी है, जो मैं आपको अभी करके बताने वाला हूँ लाइव और टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ ये किस तरीके से काम करता है। भाई इसका कनेक्शन करना एक बच्चों वाला खेल है, क्योंकि ये सिंपल सा कनेक्शन है और कनेक्शन काफी लोग इजी से कर देते हैं। देखो आपको लेना होगा अपने टीवी का एक कलर कोड, जिसे आप आरसीबी को केबल भी बोलते हो, और इस आरसी केबल को हमें कनेक्ट करना होता है इसके कनेक्टर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर येलो वाला कनेक्टर हमें वीसीसी पर देखने को मिलता है, सॉरी वीसीसी पे बोल रहा हूँ बराबर, ये हमें आउटपुट के लिए देखने को मिल जाता है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका जो येलो वाला वायर है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे कनेक्टर को, देखो कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा दूसरा जो कनेक्टर का जो आउटपुट निकलता है ये वाला, इसे हमें कनेक्ट कर देना है कैमरे वाले पर। कैमरा का जो ये येलो वाला सॉकेट है इस पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए तो हमें ड्यूअल पावर सप्लाई की जरूरत होगी, तो यहाँ पर मैंने सिंपली SMPS को कनेक्ट कर दिया है। SMPS पर मैंने सिंपली दो कनेक्टर्स भी लगा दिए, जो कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट निकल कर आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक नया सेटअप बनाकर कंप्लीट कर चुका हूँ, उससे मैं इसे पावर दे देता हूँ, वो भी काफी अच्छी तरह से काम करता है। अब देखो मैं पहली बार इसे SMPS से इसे यूज करने वाला हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है हमारा जो कैमरा है वो भी खराब हो सकता है, लेकिन आपके सामने भी इसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो इसका पावर सप्लाई है उसे हम करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। अभी यहाँ पर मैंने SMPS को स्टार्ट कर दिया है, और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो ही चुका होगा। तो चलो आप यहाँ पर सीधा कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि अब ये परफेक्ट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर कैमरा को रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो होता रहेगा। एक कनेक्टर को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे अपने टेलीविजन को, टीवी को कनेक्ट करते हैं इससे। ये देखो मैंने टीवी को यहाँ पर कर दिया है कनेक्ट।
अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नहीं दिखेगा क्योंकि ये कैमरे का फंक्शन ही कुछ ऐसा दिया गया है कि जब हम कैमरे को भी लाइन देंगे तब यहाँ पर यहाँ टीवी पर हमें कुछ देखने को मिलेगा, यानी टेलीविजन यहाँ पर शो होगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और अब जो ये वाला कनेक्टर है जो हमारा 12 वोल्ट जो कैमरे पर जाएगा इसे कनेक्ट करते हैं। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ कैमरा का जो लाइट है वो ग्लो करता है और साथ ही हमें डिस्प्ले पर भी शो होता है। ये देखो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर ट्राइपॉड शो हो रहा है कैमरे पर और साथ ही यहाँ पर जो लाइट है वो भी काफी हाई लेवल पर ग्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कैमरे को उठाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो साथ में चल रहा है। यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करते हैं, देखो अभी आप देख सकते हो कैमरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो कैमरा है वो वर्क करता है। अब इसके साथ काफ़ी लंबा केबल आता है जो आपको साथ में मिल जाएगा, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आप चीज़ लगाना चाहते हो वहाँ पर लगा सकते हो। देखो वरना काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि कहीं फेक तो नहीं बता रहे हो, देखो 100% वर्किंग है, कुछ कनेक्शन सिर्फ यहीं पर कनेक्शन है, ये लाइट जली है तब यहाँ पर ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूँ कुछ इस तरीके से तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि मैं जो भी यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, डिस्प्ले पर क्लियर दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला है। देखो परफेक्ट काम कर रहा है, 110% वर्किंग है। आपको मैं टेबल दिखाता हूँ जिस पर मैं अभी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो आप पूरा टेबल यहाँ पर देख सकते हो, ये SMPS लगा हुआ है, साथ ही यहाँ पर देखो पावर सप्लाई लगा हुआ है और भी काफ़ी सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग आयरन रखा हुआ है, तो प्रॉपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। अब देखो अब मैंने आपको इतना टेस्ट करके दिखा दिया, इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी कुछ टेस्ट करके दिखाऊं तो आप अब इसके वाले जो मैंने मेकिंग करके दिखाया था कैमरा आप इस वाले को चेकआउट कर सकते हो। इस पर आप जैसे चेक करोगे आपको यहाँ पर मिलेगा इसका पूरा 100% बोनस वाला। क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 100% मैंने यहाँ पर चेकिंग करके दिखाया है, साथ ही मैंने इसका बाहर का व्यू लिया है जो मैंने कैमरे को यहाँ पर मैंने सेट किया है। तो चलो गाइस मिलते हैं एक वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप भी इसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करो, आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, कंपोनेंट्स का भी और साथ ही इसके वीडियो का भी। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।